हरिचंदा जी, हरिचंदा जी, हेलो। जी मैम, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको सर। मैम, आपके नाम से एक और एंट्री है। अच्छा, हाँ हाँ मेरे नाम से है, हरिचंदा पाल के नाम से। हाँ वो आप ही ने जी, हाँ किया जी, है? हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। जी मैम, ओके अभी सर, मैं स्टूडेंट्स एडमिट कर रहा हूँ। मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सर हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। टुडे वी आर लर्न अबाउट द फ्लोर्स, फ्लोरिंग के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि फ्लोरिंग क्या है, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन में फ्लोरिंग का यूज क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरिंग इन दिस इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन। फ्लोरिंग का हम यूज क्यों करते हैं, फ्लोरिंग है क्या, इंटीरियर डिजाइनिंग में फ्लोरिंग का यूज क्या है। फ्लोर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइनिंग, नॉट ओनली इंटीरियर डिजाइनिंग, इट्स अ कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ फ्लोर इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइन। ओके, कंस्ट्रक्शन में इंटीरियर डिजाइनिंग भी आता है, हमारा आर्किटेक्चर भी आता है एंड हमारा सिविल भी आता है। तो फ्लोरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम फ्लोर्स का यूज करते हैं। विदाउट फ्लोर वी कांट चेंज द अपर फ्लोर्स। ओके, फ्लोर्स इन द सेंस कि हम अपना डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। हम ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर पे जा रहे हैं एंड अपर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, दैट टाइम द फ्लोर्स उतने उसी के अकॉर्डिंग फ्लोर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हम स्पेशली पढ़ेंगे फ्लोर कि फ्लोरिंग एक्चुअली है क्या। जब हम एक्सप्लोर के बारे में पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम जो है किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। अवर से आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। फ्लोरिंग है क्या, फ्लोरिंग का यूज क्या होता है। फ्लोरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिजाइनिंग में, प्लानिंग में, इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, सिविल एक्सेट्रा। फ्लोरिंग को जो हम कंस्ट्रक्शन होता है हमारा फ्लोर, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के साथ में यूज किया जाता है। फ्लोर एक बिल्कुल जनरल हमारी जनरल रिक्वायरमेंट है। जनरल रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि एक विदाउट फ्लोर वी कांट मेक अ हाउस, होम, रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। हम फ्लोर के बिना तो हम कुछ बना ही नहीं सकते, हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जो हमारी फ्लोरिंग्स बना करती थी तो वो रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची मिट्टी वगैरह से बने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो गाँव वगैरह में बनता था, जो छत बनती थी वो हमारी रूफ कहलाती थी। बट जब हमें उसके ऊपर बनाना पड़ता था तो वो हमारी फर्स्ट फ्लोर कहलाता था। ग्राउंड फ्लोर पे जब हम फ्लोरिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स देने होते
होते हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज होते हैं, वो मटेरियल्स क्या है हम आगे पढ़ते हैं। फ्लोरिंग फ्लोरिंग इज द जनरल टर्म्स फॉर अ परमानेंट कवरिंग ऑफ अ फ्लोर और फॉर द वर्क ऑफ इंस्टॉलिंग सच अ फ्लोर कवरिंग। जो भी हम फ्लोर बनाते हैं उस फ्लोर के ऊपर जो भी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज फ्लोरिंग। ये इंटीरियर में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फ्लोरिंग का आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में इसका इंपॉर्टेंस है। इंटीरियर में हम फ्लोरिंग को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, एस्थेटिक लुक बहुत अच्छा दे सकते हैं। इंस्टॉलिंग सच एज अ फ्लोर कवरिंग, इनको हम फ्लोर कवरिंग के नाम से जानते हैं जो भी मटेरियल हम इंटीरियर में यूज करेंगे। फ्लोर कवरिंग इज अ टर्म और टू जनरली डिस्क्राइब एनी फिनिशिंग मटेरियल अप्लाइड ओवर अ फ्लोर स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अ वॉकिंग सरफेस। जो भी चलने की जो हमें जगह प्रोवाइड होगी, जो भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा, हमें वॉकिंग सरफेस अवेलेबल होगा, वहां पे जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे वो फ्लोर कवरिंग मटेरियल होता है। मटेरियल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज क्लासिफाइड एज फ्लोर कवरिंग इंक्लूडेड कारपेट, एरिया रग्स and resilient flooring such as linoleum or vinyl flooring. Materials commonly called flooring include the wood flooring, ceramic tiles, stone terrazzo and various seamless chemical flooring. बहुत सारे materials होते हैं floor covering को cover करने के लिए जो हमारे floors construction होते हैं, first floor, ground floor, second floor, third floor, etc. जितने भी stories की buildings होती हैं, is it clear? सब floors क्या होते हैं हम इसका बता। The floors under the flooring is called the subfloor. जो under the flooring में जो floors होते हैं उनको हम subfloors कहते हैं। These provide the support for the flooring. Special purpose subfloors like floating floors, raised floor or trunk floors may be let down another underlying subfloors which provides the structural strength. Flooring material क्या होता है? Flooring material जो है the choice of different types of flooring materials होते हैं, बहुत सारे materials होते हैं जिनको हम हमें use करना चाहते हैं हम इसमें और provides करना चाहते हैं जो कि हमारे इसमें मतलब flooring में हमारा utilization होता है, is it clear? Some type of flooring must not be installed below the grade lower than the ground level and laminated or hardwood should be avoided here. There are many of moistures of condensation. The subfloor may be finished in a way that makes a usable without any extra work. Is it clear? Selection of floor material. हम जब floor में flooring का material जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हमें material का सिलेक्शन करना होता है कि हम कौन सा मटेरियल सिलेक्शन करें, जो डिपेंड करता है बिलो फैक्टर्स के। इनिशियल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, किसी भी फ्लोरिंग को बनाने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें रिमाइंडर रखना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर इन द सेंस कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, अपीयरेंसेस क्या होनी चाहिए, क्लीनिंग लाइंस क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन होना चाहिए, थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, स्मूथनेस, हार्डनेस एंड मेंटेनेंस, इन सारी चीजों का हम फ्लोरिंग में ध्यान रखते हैं और फ्लोरिंग का कंस्ट्रक्शन होने के टाइम पे हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखें तब कंस्ट्रक्शन के अप्लाई करते हैं। क्योंकि जो फ्लोरिंग जब हम कंस्ट्रक्शन पार्ट होते हैं ये जब आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी, अभी मैं आपको फ्लोरिंग का थियोरेटिकल पार्ट बता रही हूँ। तो थियोरेटिकल पार्ट में हमें जब कंस्ट्रक्शन करना होता है फ्लोरिंग्स में तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं। आप देखते हैं कि फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर अप एंड डाउन हो जाते हैं, कहीं पे गैस पास होती है, तो मतलब फ्लोर पे हमारा आफ्टर सम टाइम क्या होता है उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कहीं पे क्रैक्स आ जाते हैं, कहीं पे फ्लोर ऊंचा और कहीं पर नीचा हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें इन सब जो हमारे पास आपको बताए हैं कि इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सॉफ्ट कवरिंग, फ्लोर कवरिंग में हमारे बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं जिसपे एक टाइप है हमारा सॉफ्ट
आई होप कि आपको शो हो रहा है ये. ओके, सॉफ्ट कवरिंग में हमारे कार्पेट्स आते हैं. कार्पेट इज अ फ्लोर कवरिंग वुवन और फैब्रिक फ्रॉम नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स. जो कार्पेट्स होते हैं वो हमारे मैनमेड कार्पेट्स भी होते हैं, मशीन से भी बनते हैं. फिटेड कार्पेट इज अटैच्ड टू द फ्लोर स्ट्रक्चर. जो फिटेड कार्पेट होते हैं वो फ्लोर स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं. एक्सटेंड वॉल टू वॉल जिनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है एंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इनको मूवमेंट नहीं किया जा सकता है. रग्स आर सिमिलर देन द रूम इन विच दे आर लोकेटेड एंड आर जनरली प्लेस्ड कवर द ओवर द वुड फ्लोरिंग. They may be attached to the flooring below and adhesive or the other methods. जो हमारे rugs होते हैं इनको हम adhesive के साथ में हम floor covering में flooring के लिए use भी कर सकते हैं और other method भी हैं जिनको हम apply कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि floor covering यहाँ पर picture में आपको दिखाया गया है कि जो flooring का material है उसको किस तरीके से describe किया गया है. Okay. Wood flooring. Wood flooring क्या होते हैं? Many different spaces of wood are the fabricated into the wood flooring in two primary forms, plank and parquet. Hardwood are typically much more durable than softwoods. Laminate is a floor covering that appears similar to hardwood but is made with a plywood or medium density fiber board. जिसको हम laminate भी बोलते हैं. Or with a plastic laminated top layer. Bamboo flooring is a floor manufactured from the bamboo plant and it is a type of hardwood flooring, so technically not a wood. The bamboo flooring hoti hai wo technically ek wood nahi hoti hai but wood flooring mein wo aati hai. Hardwood flooring kis type ki hoti hai aap picture mein dekh sakte hain. Aapko dikhane ka samjhane ki koshish ki ja rahi hai ki how many types of the flooring. Aage aur bhi bahut sari details hai jo aapko batayi jayengi. ये फ्लोर्स का लुक कैसा आता है, वुडन फ्लोरिंग के लुक्स किस तरीके से होते हैं ये आपको आती है. हमारा नेक्स्ट फ्लोरिंग होती है रेजिलिएंट फ्लोरिंग. रेजिलिएंट फ्लोरिंग कौन सी फ्लोरिंग होती है? ये बहुत आजकल बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है इस फ्लोरिंग का. रेजिलिएंट फ्लोरिंग इज अ मेड ऑफ द मटेरियल दैट हैज सम इलास्टिसिटी. इट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड वुडन इंक्लूडिंग लिनोलियम शीट विनाइल फिनाइल कंपोजिशन टाइल जिसको VCT भी कहते हैं, कॉर्क शीट्स और टाइल रबर एंड अदर्स मटेरियल भी इसमें यूटिलाइजेशन होता है. ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की फ्लोरिंग है. इसमें जो इसमें बहुत अच्छा लुक आता है हमारे फ्लोर का. हार्ड फ्लोरिंग क्या होती है? सिरेमिक टाइल्स इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ क्ले प्रोडक्ट फायर इनटू द यूनिट्स व्हिच आर द सेकंड बेड्स और मोर्टर और मोस्टिक व्हिच विद द जॉइंट्स बिटवीन टाइल्स. क्राउडेड वैरायटीज इंक्लूडेड क्वेरी टाइल, पोर्सलिन टाइल, टेराकोटा टाइल एंड अदर्स. टाइल्स फ्लोरिंग जो होती है उसका लुक हमारा इस तरीके से आता है. मोज़ेक फ्लोरिंग जो होती है इसका लिखे मोज़ेक फ्लोरिंग. मोज़ेक फ्लोरिंग इज अ मेड ऑफ द स्मॉल पीसेस. ये बहुत छोटे छोटे पीसेस से बनाई जाती है ऑफ ब्रुकिंग टाइल्स. जो टाइल्स और हमारे मार्बल्स के जो ब्रुकिंग पीसेस होते हैं उनसे बनती है. और मोज़ेक फ्लोरिंग जो है टाइल्स of the china glaze of the cement or marble arranged in a different pattern. jo mosaic flooring hoti hai hum isko different pattern mein, kyunki ye pieces hote hain chote chote se pieces hote hain, hum kisi bhi design mein inko dhal sakte hain. okay, dhal sakte hain yani ki hum bana sakte hain. these pieces are cut to desired shape and sizes. inko hum ek shape bhi de sakte hain aur ek size bhi de sakte hain. aur aajkal तो मोज़ेक फ्लोरिंग के टाइल्स आने लगे हैं और इनके डिजाइन एज पर द डिजाइन आपके जो भी डिजाइन हैं उन डिजाइन के अकॉर्डिंग आप जाके शोरूम में जाके अपने मोज़ेक फ्लोरिंग की डिजाइन को चूज कर सकते हैं और उस पैटर्न के आप टाइल्स को खरीद सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मोज़ेक फ्लोरिंग आर टेरेस एंड इंडोर गार्डन. मोज़ेक फ्लोरिंग ज्यादातर जो यूटिलाइजेशन होता है वो टेरेस में या हम गार्डन में जो इंडोर गार्डन होते हैं वहां पर मिलकर यूजेस करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मोज़ेक फ्लोरिंग आपको यहाँ पर पिक्स के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मोज़ेक फ्लोरिंग और कितने प्रकार की हो सकती है. क्योंकि आपको बताया गया कि मोज़ेक जो होता है फ्लोरिंग जो होती है वो पेस्ट्री जो टाइल्स और जो हमारा मार्बल्स वगैरह के पीसेस से होता है इनको स्पेशली कट करके भी बनाया जाता है. आप किसी भी तरह के डिजाइन को इसमें बना सकते हैं. ग्लेज टाइल new technologies are emerging since 2004 to produce hard flooring having the ability to light up when we reach these tiles are called glazed tile.
ये जो टाइल्स हैं, ये ग्लेज टाइल्स हैं, ये बहुत ही रिसेंटली जो है सामने आए हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आए हैं। अप्रोक्सीमेटली 2004 जो है मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग या प्रोड्यूस किया गया हार्ड फ्लोरिंग के रूप में, कि ये ग्लेज टाइल्स भी बहुत यूटिलाइज होती है। सीमेस केमिकल फ्लोरिंग, सीमेस केमिकल फ्लोरिंग क्या होती है, मैनी डिफरेंट सीमेस फ्लोरिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल, दीज आर यूजली टू लेटेक्स पॉलिएस्टर यूथेन और एपॉक्सी कंपाउंड्स व्हिच आर अप्लाइड इन लिक्विड फॉर्म टू प्रोवाइड अ कंप्लीटली सीमेस फ्लोर कवरिंग, दीज आर यूजली फाउंड इन द बैच एरिया सच एज लेबोरेटरीज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये जो फ्लोरिंग होती है सीमलेस केमिकल फ्लोरिंग होती है स्पेशली फॉर द जो हमारा लार्ज एरिया होता है जहां पर हमारा लेबोरेटरीज वगैरह होती है या फूड प्रोसेसिंग का जो भी वर्क होता है वहां पर इन फ्लोरिंग्स को यूज किया जाता है बिकॉज कि यहाँ पर इजिली काम हो सकता है, क्लीनिंग का काम इजिली हो जाए। मार्बल फ्लोरिंग इट इज अ सुपीरियर टाइप ऑफ फ्लोरिंग, ये एक सुपीरियर टाइप ऑफ फ्लोरिंग है इन बाथरूम्स एंड किचन्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो, सेनेटोरियम्स, टेम्पल्स एटसेट्रा, वेयर एक्स्ट्रा क्लीननेस इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जहां पर एक्स्ट्रा क्लीननेस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मार्बल स्लैब्स में भी लेड इन डिफरेंट साइजेस यूजली इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स, मार्बल्स जो होते हैं ज्यादातर में या तो स्क्वायर शेप में अवेलेबल होते हैं या हमें रेक्टेंगल शेप में अवेलेबल। मार्बल फ्लोरिंग का आप लोग देख सकते हैं किसके थ्रू, आप देखिए कि कितना मतलब डिफरेंसेस किया गया है इसमें मार्बल फ्लोरिंग की, कोशिश की गई है आपको इसमें दिखाने की। क्लियर। ब्रिक फ्लोरिंग क्या होती है, व्हाट इज अ ब्रिक फ्लोरिंग, सच अ फ्लोरिंग इज यूज्ड इन चीप कंस्ट्रक्शन, बहुत ही चीप कंस्ट्रक्शन होता है स्पेशली व्हेन वुड ब्रिक्स आर अवेलेबल, जहां पर वुड अवेलेबल होती है वहां पर इन सब ब्रिक फ्लोरिंग का यूज किया जाता है। दिस फ्लोरिंग इज स्पेशली सूटेड टू वेयर हाउसेज, स्टोर्स, गोडाउन एटसेट्रा। इस तरह की जो ब्रिक फ्लोर होती है वो हमारे गोडाउन में, वेयर हाउसेज में और स्टोर्स में यूज होती है। वेल बर्न ब्रिक्स ऑफ गुड कलर एंड यूनिफॉर्म शेप्स आर यूज, यहाँ पर जो फ्लोरिंग के लिए जो हम ब्रिक यूज करते हैं, ब्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें एक ब्रिक का टाइप होता है वेल बर्न ब्रिक, जो अच्छी पकी हुई ब्रिक्स होती हैं वो हमारी जो है फ्लोरिंग के लिए यूज की जाती हैं। जब ब्रिक्स बनती हैं तो उनको वहीं पर डिवाइडेड किया जाता है, 4 to 5 टाइप्स ऑफ ब्रिक होती है, एक्स्ट्रा बर्न, लोअर बर्न और गुड ब्रिक, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड ब्रिक, डिफरेंट टाइप्स। जब आपको ब्रिक्स का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ब्रिक्स की डिटेल्स बता दूंगी। उसी में एक पार्ट होता है, नॉट अ पार्ट, उसी में एक प्रकार की ब्रिक होती है जिस जो ओवर बर्नड या वेल बर्नड बहुत अच्छे से पकी हुई जो ईंट होती है। ओवर बर्नड हम फ्लोरिंग में यूज नहीं करते हैं, वेल बर्नड हम यूज करते हैं। ओवर बर्नड तो हम एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो हमारी गार्डनिंग वगैरह के लिए, जो हमारे पैसेज वगैरह या जो हमें फ्लोरिंग में के लिए हम वहां पर यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम यूज नहीं करते हैं ओवर बर्नड। Bricks are laid either or flat on an edge, arranged in herringbone fashion or set at the right angles to the walls or set any other good looking pattern. This is how good looking pattern we have isko flooring ko bana sakte hain. Brick flooring ka ek example aapko yahan pe dikhaya gaya hai ki brick flooring kis tarah ki honi chahiye. Okay. Now examples of brick flooring aap dekh sakte hain, kisi bhi shape mein de sakte hain. It depends karta hai aapka floor jo hai wo kis tarah ka hai. Finishing. Glass flooring. This is a special purpose flooring used in circumstances where it is a desire to transmit light from upper floor to lower areas. ये जो flooring है जो हमारा ये special purpose के लिए use की जाती है, जहाँ पे हम transmit हो सकते हैं, transmission मतलब यानी कि first floor to ground floor या upper floor to down floor. मैं सिर्फ first floor नहीं बोलूँगी क्योंकि ये हम किसी भी floor पे use कर सकते हैं। अपर एंड लोअर एरिया की मैं बात करूंगी, तो अपर फ्लोर जहाँ पर हम ग्लास फ्लोरिंग का यूज करेंगे तो टाउन में जो उसकी लुकिंग जो है बिल्कुल बहुत अच्छी आती है, स्पेशली फॉर स्पेशल पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है। ग्लास फ्लोरिंग इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट कॉमनली यूज, ग्लास फ्लोरिंग बहुत कॉस्टली होती है और कॉमनली इनको यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल डांस फ्लोर और होम डेकोरेशन। Examples of glass flooring आप examples देख सकते हैं, glass flooring के किस तरह के examples हैं, आप party halls देखिए, एक ये hotel का lounge type का है जहाँ पर ये party flooring दिखाई गई और यहाँ पर glass
फ्लोरिंग का एग्जाम्पल आपको दिया गया। स्टोन फ्लोरिंग, स्टोन फ्लोरिंग क्या होती है, स्टोन फ्लोरिंग किस तरीके से दिखती है आप इस पिक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोन फ्लोरिंग एंड रबर फ्लोरिंग जो है, स्टोन फ्लोरिंग्स जो होती है ये हमारी अवेलेबल होती है क्या जो है, और एक मेरे स्किप हो गई है, जो स्टोन फ्लोरिंग होती है ये हमारे, आपने देखा कि जितने भी हमारे आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे तो वहां पर जो है स्टोन फ्लोरिंग्स की यूज की जाती है, जाती थी, और आर्ट वगैरह होते हैं जहाँ पर हमें पब्लिक जो एरिया होता है वहां पर स्टोन फ्लोरिंग का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता था। ये एग्जाम्पल्स हैं स्टोन फ्लोरिंग के, आपको देखना जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। एंड रबर फ्लोरिंग, इट कंसिस्ट ऑफ शीट्स और टाइल्स ऑफ रबर इन वेराइटीज ऑफ पैटर्न एंड कलर विद थिकनेस वेरिंग फ्रॉम 3 mm टू 10 mm। इसकी जो थिकनेस होती है रबर फ्लोरिंग की वो 3 mm टू 10 mm की होती है। द शीट्स आर फिक्स्ड टू द कॉन्क्रीट फ्लोर। ये जो रबर फ्लोरिंग होती है, जो हमारा कॉन्क्रीट फ्लोर होता है उसके ऊपर हम इसको फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव, और जो भी हमारा एप्रोप्रिएट एडहेसिव होता है उसके ऊपर। रबर फ्लोरिंग आर रेजिलिएंट एंड नॉइज प्रूफ। ये नॉइज प्रूफ होती है। दे आर कॉस्टली, ये कॉस्टली होती है, हैंस यूज इन पब्लिक बिल्डिंग्स और ऑफिसेज। ये हम पब्लिक बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स इन द सेंस ऑफ जैसे हमारा ऑडिटोरियम एटसेट्रा जो हमारे हैं, या फिर हमारा जो हॉल्स हो गए और हमारे लेबोरेटरीज हो गए और जो है ऑफिसेज हो गए हमारे, वहां पे रबर फ्लोर, क्योंकि हमें नॉइज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहां पर इनका यूज। एग्जाम्पल्स ऑफ रबर फ्लोरिंग, ओके आप देख सकते हैं ये रबर फ्लोरिंग आजकल आपने देखा होगा मार्केट में रबर फ्लोरिंग के टाइल्स के 2x2 या 4x4 के टाइल्स या 3x3 के एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ, ये जो जिसको पजल लुक में कहते हैं कि पजल शेप्स में आते हैं, मल्टी कलर्स होते हैं। आपके वाला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के फ्लोर्स आपको रेडीमेड फ्लोर्स भी मिल रहे हैं। आप मार्केट में जाके इजिली इनको परचेज करके आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं खुद भी। सस्टेनेबल फ्लोरिंग क्या होती है, सस्टेनेबल फ्लोरिंग इज अ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड बाय अ सस्टेनेबल प्रोसेस दैट रिड्यूस डिमांड्स ऑन इकोसिस्टम ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। समथिंग दैट सस्टेनेबल फ्लोरिंग creates a safer and healthier buildings and graduate in our future for the additional produces or renewable resources that many communities depends on. Flooring tools kya hote hain, special tools and used for the flooring include flooring clamp in a clamp for the tongue and wood floors while nailing knees, clicker used for the position carpet precisely and stretch the small areas like steps. Concrete moisture meter used to check a concrete floor before the lime flooring on the top. फ्लोरिंग के फीचर्स क्या होते हैं, फ्लोर फीचर्स क्या होते हैं, फ्लोर किस तरीके, अभी तक मैंने आपको बताया फ्लोर के मटेरियल के बारे में, इसके थ्रू मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की है, आपको मटेरियल दिखाने कोशिश किया। अगर डायरेक्टली आपको फ्लोर्स के बारे में बताना शुरू कर देते तो आई थिंक आप इतना इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आप अपने उस पिक्स को देख के जो आप देख चुके हैं उन फ्लोरिंग्स को इमेजिनेशन करके आपको मटेरियल, यहाँ पर आपको समझाऊंगी ये सारी चीजें तो क्विकली आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्क्ड। देयर आर अ नंबर ऑफ स्पेशल फीचर्स दैट मे बी द यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ फ्लोर और परफॉर्म यूजफुल सर्विसेज। Floor medallions, decorative centerpiece of a floor design, doormats to help keep a floor clean, grating used to drain water or to rub dirt off shoes, tactile or rubble strips to warm to for an instant, or wheelchair ramp. These would normally also be distinctly colored or patterned. Light strip to show an escape route, but especially on the air. फ्लोर के फीचर्स कैसे होने चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। मोल्डिंग और बेसबोर्ड और द डेकोरेट द साइड्स ऑफ द फ्लोर टू द कवर द एज ऑफ द फ्लोटिंग फ्लोर
एंटी स्लिप डिवाइसेस एडिशन और आइदर द ग्रैनुलर और रबलाइज्ड प्रैक्टिस दैट विल अलाउ द व्हील शूज और पीच बेटर ट्रैक्शन. जो डेकोरेटिव फ्लेक्स सिस्टम है इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि आप देखिए सबस्ट्रेट क्या होते हैं, प्राइमर कोट किस तरीके से लगता है एंड टॉप कोट बेस कोट विद द फ्लेक ब्रॉडकास्ट. आप ये देख रहे हैं कि प्राइमर कोट के ऊपर आपका बेस कोट लगाया गया विद फ्लेक ब्रॉडकास्ट एंड उसके बाद टॉप कोट आप जो भी मेटेरियल आप देना चाहते हैं अपने फ्लोर कवरिंग में वो आपका टॉप कोट के रूप में यूज हो सकता है. इश्यूज विद फ्लोर्स, फ्लोर्स के साथ में इश्यूज क्या आते हैं आपको तो ये बता दिया गया कि आप इसके साथ इन सब चीजों के हमारा एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन फ्लोर होता है जो हमारा आरसीसी से बना, आरसीसी मिलता रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट से बना था उसके ऊपर आप फ्लोर कवरिंग कोई भी मेटेरियल यूज कर सकते हैं. देन इश्यूज क्या होते हैं फ्लोर्स के साथ में, वुड फ्लोर पर्टिकुलरली ओल्डर वंस विल अटेंड टू द स्पेसिफिक स्पीक इन सर्टेन प्लेसेस. दिस इज अ कॉज बाय द वुड रबिंग अगेंस्ट अदर वुड यूजली एट द जॉइंट ऑफ द सब फ्लोर firmly securing the piece to the each other with screw or nails with remove the this problem. ये जहाँ पर nail और screw से लगे होते हैं वहाँ पे इसको remove करने में थोड़ी सी problems आती हैं. अपना ये damage भी करते हैं जब हम रिमूव करते हैं इसको. When we want to change the floor covering that line. Concrete floor are usually too solid. They do not have this problem. जो concrete flooring होती है उसके साथ इस तरह की कोई problem नहीं होती क्योंकि वो अपने आप में flooring होती है. But are also much more expensive to construct and much heavier resulting in further requirement regarding the structure of the building. हम building को और सुंदर बनाने के लिए उसमें हम इस टाइप का जो मटेरियल्स मैंने आपको बताया कंक्रीट फ्लोर के ऊपर हम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एडहेसिव हम फ्लोर मटेरियल यूज कर सकते हैं. फ्लोर वाइब्रेशंस इज अ पर्टिकुलरली एनीवन प्रॉब्लम विद द फ्लोर्स वुड फ्लोर्स टेंड टू पास अ साउंड पर्टिकुलरली हैवी फुटस्टेप्स एंड लो बेस फ्रीक्वेंसी. फ्लोटिंग फ्लोर्स कैन रिड्यूस और एलिमिनेट दिस problem. The flooring may need protection sometimes. Example, a gym floor used for a graduation ceremony. A gym floor cover can be used to reduce the need to satisfy incomplete computable requirements. आप का जो ये सारी जो हमारी फ्लोरिंग्स के बारे में जो हमने अभी पढ़ा है इसके हमने क्या क्या अभी हमने पढ़ा है इसमें types of resilient फ्लोरिंग कैसी होती है, वुड फ्लोरिंग कैसी होती है, कारपेट एंड रग फ्लोरिंग में हम कैसा मटेरियल यूज करते हैं, सिरेमिक टाइल्स कैसा होता है, सीमलेस केमिकल फ्लोरिंग क्या होती है, मार्बल फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, स्टोन फ्लोरिंग एंड रबर फ्लोरिंग. तो यहाँ पर हमने इन सारे फ्लोरिंग्स के रिगार्डिंग हमने बात की कि ये सारे फ्लोरिंग तो मैंने आपको बताया है मटेरियल. ओके, फ्लोरिंग में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इज इट क्लियर? नाउ अगेन अब ये जो है इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट अपना जो है स्लाइड शो करके आपको बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में फ्लोरिंग का व्हाट इज और हम फ्लोरिंग का मटेरियल किस तरीके से यूज कर सकते हैं. आई वांट टू शेयर माय अनदर थिंग. इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज आस्क मी. अगर फ्लोरिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आया है अगेन आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई दिस क्लास क्योंकि अभी फ्लोरिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है. मैंने अलग अलग पीपीटी बनाई है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके. You can raise your hand also. Only for 2 minutes. I want to give you only 2 minutes. If you have any query, you can ask me. No chat. No raise hand. No queries. Okay. Thank you so much. That's good for me also. Now I want to stop my stop sharing. And again, आपको flooring के regarding ही आपको next slides को floors and floor covering kya hai. Of all the furnishing in a room, the floors receive the most abuse. Numerous material are used for the flooring, such as wood, carpet, ceramic tile, concrete, stone and brick. Flooring sets the mood of the room. Flooring ke jo sets hum banate hain wo as per the room banate hain. Zaruri nahi hai ki humne bedroom mein agar humne marble diya hai ya humne carpet flooring
दी है तो हम ड्राइंग रूम में भी वही दें एज पर योर रिक्वायरमेंट एज पर योर चॉइस. आप रूम में जो भी फ्लोरिंग का जो फ्लोर कवरिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं. व्हेन सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड ऑफ ए रूम स्टार्ट विद द फ्लोर एंड वर्कअप. जब भी आप फ्लोर मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे या फ्लोर कवरिंग, क्योंकि ये आपका जो फ्लोरिंग मटेरियल है या आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही आपका यूज होगा, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप सब, फिर से मैं आपको बताऊंगी कि सभी जगह एक जैसा नहीं होता है. व्हेन सिलेक्टिंग द फ्लोर, जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, अपीयरेंसेस, ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस. कि अगर आपने कार्पेट फ्लोर कवरिंग ली है तो आपको अपीयरेंसेस याद ध्यान रखना होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस. अगर आप ड्राइंग रूम में कार्पेट फ्लोरिंग ले रहे हैं तो वहां पर आपको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना. सबसे ज्यादा यूजेबल आपका जो होता है वो ड्राइंग रूम होता है, तो मोस्टली हम वहां पर अवॉइड करते हैं कार्पेट फ्लोरिंग के लिए. ओके, जस्ट एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर रूम आप फ्लोर को चूज कर सकते हैं. Floors are constantly subjected to dirt and spills, heavy traffic, the weight of the furniture. Furniture का weight क्या होता है? उसके ऊपर भी आपका floor covering material चूज होता है. Floor coverings हैं क्या? Floor coverings must be attractive. ये attractive होनी चाहिए, serviceable होनी चाहिए, durable होनी चाहिए and harmonized होनी चाहिए with the rest of the room. जिस भी room के according आप इसको use कर रहे हैं, according to that आप इसको use कर सकते हैं. Floor covering are often the most expensive part of a redecoration project, but quality will pay off over time. Types of flooring chosen depends on jo type of flooring hai, depends karta the purpose of the room. Aapke room ka purpose kya hai? The amount of the traffic flowing through it. Aapka budget kitna hai? How much maintenance the flooring requires? Flooring ko kitni maintenance ki requirement hai? Aur aap kitni maintenance kar sakte hain? Okay. फ्लोर कितनी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, आप कितनी कर सकते हैं. अगर आप कार्पेट फ्लोरिंग ड्राइंग रूम में डालेंगे तो जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है कि आपका जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. दैट्स व्हाई चूज ऑलवेज द फ्लोर कवरिंग मटेरियल एज पर द एरिया एंड वेदर इट कोऑर्डिनेट विद द डेकोरेटिव स्कीम. और ये डिपेंड करता है कि आपने डेकोरेटिव स्कीम क्या ली हुई है. Material for floors can be divided into two types, finished flooring, floor covering. एक considerable permanent part of the floor. Finished flooring क्या होती है और floor covering, देखिए दोनों चीजों में difference है. मैंने अभी तक आपसे जो बात की है वो मैंने flooring की बात की है, floor की बात मैंने की ही नहीं है, क्योंकि फ्लोर जो होता है वो RCC का बना होता है, रेनफो सीमेंट कॉन्क्रीट का बनाते हैं, जिसपे कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फ्लोर कवरिंग की. ओके, तो फिनिश फ्लोरिंग क्या होती है? जो हमारी परमानेंट फ्लोरिंग होती है, फ्लोर एक परमानेंट पार्ट ऑफ द फ्लोर होता है, वो हमारी फ्लोर फिनिश फ्लोरिंग होती है. और फ्लोर कवरिंग जो होती है आफ्टर द फिनिश फ्लोरिंग, जो उसके बाद जो हम फ्लोर कवरिंग करते हैं, दैट इज नॉन परमानेंट पार्ट. ये हमारा नॉन परमानेंट पार्ट होता है. जब हम चाहे फ्लोर कवरिंग का मटेरियल चेंज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग, वुड इज अ मोस्ट पॉपुलर फिनिश फ्लोरिंग. वुड इज द अट्रैक्टिव कंफर्टेबल, प्रोवाइड्स द वार्मथ टू द रूम, मोस्ट कैन बी अप्लाइड ओवर द कंक्रीट और वुड. स्टाइल का स्टेप फ्लोरिंग होती है. देखिए अभी तक तो मैंने आपको मेटीरियल के बारे में बताया है कि देखिए आपको पिक्स के थ्रू समझाया. यहाँ पर मैं आपको पिक्स एंड उनके टाइप्स तीन दोनों और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीजों को बता रहे हैं. आपकी स्ट्रिप वुडन में आपकी स्ट्रिप फ्लोरिंग होती है, रैंडम प्लैंक भी होते हैं, आप पार्ट क्यों होता है. ओके, नाउ वुड फ्लोरिंग में इन एरियाज वेयर द पीपल स्टैंड अ लॉट, जहाँ किचन, कंसीडर अ फ्लोरिंग फ्लोर विद अ फोम अंडर means it is a more cushioned than a festooned or glued down the floor. आप ये पिक में देख रहे किस तरीके से फ्लोर कवरिंग को दिया गया है, ये कुशन टाइप से होता है, जिसको इसमें आप इजिली इसमें एडहेसिव विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव और नील्स आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. वुड फ्लोरिंग, व्हेन लाइंग द फ्लोर ओरिएंट द बोर्ड टू द लॉन्गेस्ट वॉल, दिस क्रिएट अ ऑप्टिकल इल्यूजन making a room appear larger than a reality is. जो उसकी रियली में होता है उसे larger show करता है अगर हम इसमें board use करते हैं जो longer wall to wall में attach होते हैं. Hardwood जैसे उसी example oak और and maples is made either into the planks that fit together with tongue and groove joint. जो plank हमारी flooring होती है
टंग एंड ग्रूव एक ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट से मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी तो उससे बताऊंगी। टंग एंड ग्रूव एक ज्वाइंट होता है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ज्वाइंट है फर्नीचर में आपके, ये आपके फ्लोर में भी यूज होता है, फ्लोर कवरिंग मटेरियल में भी, और स्ट्रिप्स दैट आर फास्टेंड टू द सॉफ्ट फ्लोरिंग बाय नेल्स एंड ग्लू, इनको नेल्स के थ्रू अटैच किया जाता है और ग्लू के थ्रू अटैच किया जाता है। द वुड कम्स बोथ द प्री फिनिश्ड फैक्ट्री स्टेन एंड सील्ड एंड अनफिनिश्ड टाइल्स। परक्यू स्मॉल पीसेस ऑफ वुड अरेंज इन द डिफरेंट डिजाइन, परक्यू जो डिजाइन होता है वो किस तरह का डिजाइन होता है, वुडन नहीं होता है ये, ओके, ये डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा हेलो एवरीवन, हरिचंदा मैम के एंड पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ नेटवर्क का एकदम से इशू आ गया है, तो वो ट्राई कर रहे हैं दोबारा कनेक्ट करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 5 मिनट के लिए वेट कीजिए प्लीज, थैंक यू।
सॉरी टू ऑल ऑफ यू, ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट हो गया था, सो सॉरी बट दिस जस्ट कंटिन्यू. आई वांट टू शेयर दिस. Softwood example, the pine and much more susceptible or scratching the denting and overall wear than the hardwoods. I hope ke screen okay hai na. ये मैं आपकी बात कर रही थी पर क्यों जो डिजाइन्स होते हैं जो वुडन में वो स्मॉल पीसेस होते हैं, वुड के स्मॉल पीसेस होते हैं, इसको किसी भी डिजाइन पे बना के एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. Engineered wood, a staple stack of wood lanyards glued together like a plywood sandwich and made into the strips that look like a solid boards. A thin layer of the hardwood is glued on the top. The harder wood, the top layer, the more resilient it is in a dent, and the longer it will keep its like new looks. Protect the top veneer. इसका जो wood clay है का जो top होता है, आपको ये मैं diagram के थ्रू आपको बताना चाहूंगी कि जो engineering का जो wood होती है, flooring होती है, वो किस type की, आपको बताया कि soft wood veneer होता है, जो सबसे lower जो wood होते हैं वो soft wood lower होता है, confiler middle layer होती है, then hardwood surface होता है, then उसके बाद जो other layer होती है, six layer of the varnish. इसके ऊपर वार्निश की सिक्स लेयर्स के कंटेनिंग नो फॉर्मलाडिहाइड टू द सॉल्वेंट, मतलब कि इसके ऊपर जो डेंटिंग वगैरह जो वुड का यूटिलाइजेशन होता है ना कि बहुत जल्दी इजीली इस पे डेंटिंग नहीं आती क्योंकि सिक्स लेयर ऑफ वार्निश की होती है इसके ऊपर. वार्निश की टू लेयर्स ही एज पर द पॉलिश हम यूज करते हैं, तो वही यहां पर सिक्स लेयर्स यूज हो रही है. ओके, फॉर एडेड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ईच अंडरलाइंग लेयर ऑफ the wood grain runs at 90 degree to its neighbors. Currently engineered wood or the flooring accounts for 30% of the wood flooring solid in America today. Like this top layer real wood, jo top layer hai iske layer wood hai, bottom layer jo plywood hai, mere wood hai. Okay, slate, stone and brick, jo ek material hota hai, aap usko slate kahe, stone kahe ya brick kahe. Okay, like this may be used indoor and outdoor. See, dono jagah use hota hai, indoor mein bhi use hota hai aur outdoor mein bhi use hota hai. Is often used of patios, porches and entrance halls. It not comfortable to stand on a firm period of time. Ye bahut zyada durable nahi hota, bahut zyada lamba nahi chalta hai. Okay, types of flooring, stone. Stone ki jo types of flooring hai, marble, the color depend एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेयर इट वाज मार्बल. अगर आप फ्लोरिंग ले रहे हैं तो सेम थिंग, आप जो भी फ्लोरिंग ले रहे हैं सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका एरिया कौन सा है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है. रेजिडेंशियल में भी कौन सा पार्ट है, पार्ट इन द सेंस कौन सा रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, आपका बेडरूम है, विच वन द रूम कहाँ आप इसको रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं फ्लोरिंग को. ओके, टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग स्टोन्स की, टेराजो. टेराजो ब्रोकन पीसेस ऑफ द स्टोन आर यूज्ड टू मेक टेराजो. जो फ्लोरिंग होती है जो स्टोन के ब्रेकिंग ब्रोकन जो पीसेस होते हैं उसको मिला के बनाया जाता है. इट इज ऑफन यूज इटालियन रिनेजेंस स्टाइल रूम, जो इटालियन रिनेजेंस स्टाइल रूम जो है वहां पर आप देखिए पिक्सल में जो बताया जा रहा है किस तरीके से इसमें किया हुआ है. टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग सिरामिक टाइल्स मेड ऑफ द बेक्ड क्ले. ये जो सिरामिक टाइल्स होते हैं ये बेक्ड क्ले से यानी कि मिट्टी को पका के इसको बनाया जाता है. ऑर्गेनेटेड इन इजिप्ट अबाउट 4700 BC अगर हम कहें कि उस टाइम पर भी ये हमारी सिरेमिक टाइल्स यूज होती थी. इज ऑफन नेम्ड आफ्टर द सिटी और एरियाज फ्रॉम विच ऑर्गेनाइज्ड. प्रेजेंट टाइम में जो इसका नेम है वो सिरेमिक टाइल के नाम से ये जाना जाता है. पहले भी ये मिट्टी को पकाकर ही टाइल्स बनाए जाते थे, पॉलिश की जाती थी, दैट टाइम ये यूज किए जाते थे. इट इज मॉइस्चर रेजिस्टेंट. जो सिरेमिक टाइल्स होते हैं ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इजी टू क्लीन होते हैं, बट इट चिप्स एंड क्रैक्स इजली. ये टुकड़ों में बहुत जल्दी टूट जाते हैं. टाइल इज ऑफन यूज इन
बाथ एंड किचन बट कैन बिकम स्लिपरी. ये बाथरूम और किचन में भी यूज किए जाते हैं बट ये स्लिपरी भी होते हैं. ओके, टाइल्स कम इन वेरियस साइजेस. टाइल्स के वेरियस साइजेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइल्स की जो साइजेस हैं वो लिमिटेड है. आप मिनिमम से लेके मैक्सिमम टाइल साइज जो एज पर रिक्वायरमेंट आप मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको वहां पर रिक्वायरमेंट्स जो जिस टाइप के साइज के टाइल्स की है वहां पर आप उसको चूज कर परचेज कर सकते हैं. द स्पेस बिटवीन द टाइल्स इज फिल्ड विद द सीमेंट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड रॉट. जो टाइल्स जब हम लगाते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उनको हम सीमेंट के साथ यानी कि वाइट सीमेंट होता है उससे हम फिल कर सकते हैं या उसका एक सब्सटेंस होता है जिसको रॉट कहते हैं. ओके, उससे भी हम इनके डिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं. सिरेमिक मोज़ेक क्या होता है? इंडिविजुअल टाइल्स आर माउंट together on a sheet to have the keep them the together and make installation easier. जो मैंने अभी आपको mosaic tiles बताए थे कि mosaic tiles आप as per requirement इनके tiles भी आने लगे हैं. आप उनको as per design आप वहाँ पे जाके choose कर सकते हैं शुरू में और उनको utilization कर सकते हैं. ये ज्यादातर outer side में या आपका swimming pools वगैरह में आपने देखा होगा वहाँ use कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस के आउटर वॉल पे भी टाइल्स ये मुझे टाइल्स यूज किए जा रहे हैं. मेड फ्रॉम क्ले टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड. ये क्ले से बने होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ग्राउंड से लिया जाता है. शेप बाय हैंड व्हिच रिजल्ट्स इन अनइवन थिकनेस ड्राइड इन द सन एंड ऑफन हैव प्रिंट ऑफ लीव्स एनिमल ट्रैक्स. कॉन्क्रीट फ्लोरिंग इजी टू क्लीन एंड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल. जो कॉन्क्रीट फ्लोरिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होती है जो ओरिजिनल हमारी फ्लोरिंग होती है और इजिली क्लीन तो हो ही जाती है. इट कैन बी हार्ड टू पीपल फीट एंड जॉइंट्स इफ स्टूड और वॉक्ड ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट इज ऑफन यूज्ड इन लार्ज स्टोर्स रेस्टोरेंट्स गैराज एंड यूटिलिटी रूम. इट कैन बी पेंटेड स्टेन और ट्रीटेड टू बी अट्रैक्टिव. इसको हम पेंट भी कर सकते हैं स्टेन भी कर सकते हैं. इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसी भी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. अदर टाइप ऑफ फ्लोरिंग क्वेरी टाइल विनाइल टाइल डिलोनियम टाइल. ये अदर टाइप्स के टाइल्स हैं जिनको हम फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं. फ्लोर कवरिंग रेजिलिएंट फ्लोरिंग. रेजिलिएंट फ्लोरिंग विद अ सेमी हार्ड सरफेस दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेस. इट इज अ वार्मर एंड क्विकर देन द फिनिश flooring. It is not quite durable as finished flooring. It is sole type, self-adhesive tiles and sheet form. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी resilient flooring के regarding बताया था, with the help of drawings and images. तो यहाँ पर उसी को vinyl flooring. One of the best resilient covering resists many stains, including the grease and the bleach. Durable and easy to clean. Come in many patterns and colors and have no wax finish. With built-in luster. Asphalt flooring. Asphalt is the least expensive resilient covering. It can be damaged by the grease or dentitive, so it may not be good for kitchens. Kitchen के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है flooring, but it is good cover for the concrete floor. तो ये concrete floor के लिए बहुत अच्छी होती है. Rubber flooring resist denting and moisture stain. It's quiet and easy to walk on. ये बहुत soft होती है. इसके ऊपर walk करना बहुत easy होते हैं. Often used in hospital or static electricity reduction. जैसा कि मैंने आपको बताया था ये public buildings में use की जाती हैं. जहाँ ये electricity से भी आपको मतलब protection देती है. Okay? ये hospitals में तो use होती है क्योंकि hospitals में have a sound noise बहुत कम चाहे requirement है. रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि वहाँ उन कम से कम शोर होना चाहिए दैट टाइम कि वहाँ पे रबर फ्लोरिंग यूज होती है और इलेक्ट्रिसिटी के जहाँ पर मोड वर्क होते हैं वहाँ पे भी रबर फ्लोरिंग का यूज करते हैं. कॉर्क फ्लोरिंग इज एनवायरमेंटली ग्रीन क्वाइट एंड कंफर्टेबल बट इजली डैमेज नॉट स्किन ऑफ ग्रीज रेजिस्टेंट बेस्ट यूज ऑन एरिया ऑफ लाइट ट्रैफिक. जहाँ बहुत कम ट्रैफिक होता है इन द सेंस आप ट्रेनिंग हॉल हो गया इनर वहां पर हम इस फ्लोर को यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है. ओके, ये इजली जो है डैमेज भी हो जाता है. रग्स रग्स तो आपका जो है आर मेड ऑन द वन पीस एंड हैव फिनिश्ड एज. ये फिनिश्ड एज के साथ में बने होते हैं एक पीसेस सिंगल एज पर रिक्वायरमेंट. आपके रूम की जो भी रिक्वायरमेंट है ये फ्लोर कवरिंग के आप जो फिनिश्ड फ्लोर का आपका है उसके ऊपर आप इनको एज पर रिक्वायरमेंट
आप इसको इजिली मूवेबल इस मटेरियल के साथ यानी रख के साथ इजिली मूवेबल कर सकते हैं, उसको कहीं पर सीम्स आर टैप एंड स्वीट होते हैं, इनके जो किनारे सिले हुए होते हैं, द एंटायर कार्पेट इज फास्टिंग टू द फ्लोर और ये कार्पेट लॉन्ग कार्पेट्स के लिए सिले बहुत यूज होते हैं। कार्पेट्स की टाइल्स भी आने लगे हैं आजकल, ओके, आर सिंगल्स स्क्वायर दैट आर इजी टू जस्ट, जैसे मैंने आपको रबर फ्लोरिंग में बताया कि रबर फ्लोरिंग के टाइल्स आने लगे हैं, वैसे ही कार्पेट फ्लोरिंग के भी, ये बहुत एडवांस टाइम आता जा रहा है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट सर्वे करेंगे तो यू कैन इजिली फाउंड ऑल दीस थिंग, आपको ये सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। टाइल्स आर कन्वीनियंट बिकॉज इफ वॉर्न और सॉइल्ड अ सिंगल स्क्वायर ऑन एन एरिया कैन बी टेकन अप फॉर क्लीनिंग टू रिप्लेसमेंट। कार्पेट एरिया के जो टाइल्स होते हैं उनके होने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिस एरिया में आपको कुछ गिर गया है, स्टेन हो गया है, तो आप सिर्फ उतने पार्ट को रिमूव कीजिए और उसको वॉश करके यूज कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट यूजेबल टाइल्स जो रबर फ्लोरिंग के टाइल्स बने लगे हैं। टू मिस्टर गिव मी टू फाइव मिनट्स, जस्ट आई वांट टू फिनिश विद इन फाइव मिनट्स। ठीक है मैम। कार्पेट इज अ मेड फ्रॉम द आइदर नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल से भी बनता है, मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक फाइबर से भी बनता है, एंड रिसाइकल्ड कार्पेट से भी बनता है, ओके। इनको ये कार्पेट का जो कवरिंग मटेरियल है ये इनको साइकिल भी कर लेते हैं और सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर बहुत सारे फाइबर से यूज करके आप इसको बना सकते हैं। कार्पेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और द क्वालिटी ऑफ कार्पेटिंग डिटरमाइंड बाय द फाइबर कंटेंट इन कंस्ट्रक्शन। इसके कुछ फाइल्स यानी कि लेयर्स होती हैं जिसके द्वारा हम कार्पेट की क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये द ग्रीन टेस्ट हेल्प द डिटरमाइन द क्वालिटी, ये एक ग्रीन टेस्ट होता है जो हेल्प करता है कि स्पेशली फॉर द कंस्ट्रक्शन के टाइम पे है कि अगर आप उसको बल्क में अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं दैट टाइम आप इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं। नाउ ये कुछ कार्पेट का है टेस्ट की उसको किस तरीके से किया गया है। ये बहुत सॉफ्टनर कार्पेट है, ये कार्पेट के टेक्सचर्स आपको दिखाए गए हैं। कार्पेट टेक्सचर्स क्रिएटेड बाय द वैरायटी ऑफ फाइबर्स बीइंग लूप्ड ट्विस्टेड और कट टू मेक डिफरेंट टेक्सचर्स एंड इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ द कार्पेट। आप जिस तरीके से फिगर्स में देख रहे हैं किस तरीके से इसको बना दिया गया। नाउ इन द स्मॉल स्पेस ऑफ प्रोवाइडिंग योर नोट्स, तो आप ये आपका यहाँ पे असाइनमेंट का आ गया है वर्क कि आपको असाइनमेंट फ्लोर कवरिंग में जो आपको आज कार्पेट में मैंने आपको बताया, नॉट ओनली द कार्पेट सॉरी, मैंने फ्लोर कवरिंग में आपको बताया है कि आपको किस तरीके का मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हो। ये आपका जो है, मैं फिर एक एग्जाम्पल आपका दे देती हूँ कि जो विनाइल फ्लोरिंग है ये टाइल्स और विनाइल शीट्स में भी अवेलेबल है
और इनका लैमिनेटेड का जो विनाइल फ्लोरिंग का जो वर्क होता है वो किस तरीके का वर्क होता है, गियर लेयर होता है, डिजाइन लेयर होता है, इनर कोर होता है एंड डकिंग होती है, ये सारी चीजें प्रोवाइडेड है, ये मैंने आपको बता दिया. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू अटेंड माय लेक्चर. नाउ मैंने आपका असाइनमेंट दे दिया है, तो नाउ प्लीज लिसन टू बी केयरफुल कि आपको जो असाइनमेंट है कि आपको जो आपका फ्लोर कवरिंग, फ्लोर फिनिशिंग एंड फ्लोर कवरिंग बोथ आर द डिफरेंट, आपको इन दोनों के डिफरेंसेस में एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और एक आफ्टर फिनिशिंग मटेरियल है, तो आपको फ्लोर कवरिंग जो मटेरियल है उनके बारे में अपने एक असाइनमेंट बना के तैयार करना है. एसेंड टू माय ईमेल आईडी, ऑलरेडी आई वाज शोज इन द माय फर्स्ट स्लाइड, यू कैन टेक केयर फ्रॉम. आप यहां से मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए प्लीज, आप मेरे को ईमेल आईडी पे अपना असाइनमेंट सेंड कर दें. इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज आस्क मी विद इन 2 मिनट, बिकॉज़ दैट्स व्हाई कल हम अगेन इसका नेक्स्ट फ्लोरिंग का कंस्ट्रक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे. आज हमने फ्लोरिंग का मटेरियल पार्ट पढ़ा है कि फ्लोर कवरिंग का, कल हम फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे. तो दैट टाइम टुमारो वी विल मीट द सेम टाइम. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. नो क्वेरीज आई होप. रॉबी सर जी, आई थिंक नो क्वेरीज आर हियर. ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू टू टाइम माय लेक्चर. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.